सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस घंटी को दबा दो। तो दोस्तों आज हम फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। तो आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगली खबर की ओर बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठियों को भारत से निकालना बहुत जरूरी है और हम मोदी सरकार के साथ हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने कभी भी हिंदुत्व का भगवा रंग नहीं छोड़ा है। तो देखिएगा किस तरह से शिवसेना ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिया आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा है। देखिएगा आप, इनकी पार्टी के जो एमएलए थे, विधायक थे, उन्होंने भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी को ही वोट दिया था, जबकि बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और इनको फेंक दिया था। दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं इस तरह, लेकिन आज काम ये बीजेपी के ही कर रही है शिवसेना पार्टी। तो किस तरह से ये विवादित बयान दिया है शिवसेना के प्रमुख ने। अगली खबर की ओर बात करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी को आज राजस्थान से बड़ा झटका। राजस्थान सरकार ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में आज प्रस्ताव को रखा, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा काटना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव लाने को देश विरोधी बताया। वहीं जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में रखा, वैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत बीजेपी के तमाम विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सीए के खिलाफ प्रस्ताव पर सदन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनियावाला ने कांग्रेस को खुली धमकी दी, कहा इस कानून को आप क्या आपके फूफा को भी लागू करना पड़ेगा। तो किस तरह से बीजेपी अब तानाशाही पर उतर आई है, किस तरह की बीजेपी के जो नेता हैं वो विधानसभा में इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि आप क्या आपके फूफा को भी नागरिकता संशोधन कानून लागू करना पड़ेगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब राजस्थान में भी प्रस्ताव पास करने के लिए आज विधानसभा में रखा, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हंगामा काटा, जिसके बाद अभी इस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया है, क्योंकि राजस्थान तीसरा प्रदेश बन जाएगा जो भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव को पास करेगा। इससे पहले केरल पंजाब ने प्रस्ताव को पास किया है, अब राजस्थान सरकार भी पास करेगी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के भारत पर 800 साल राज करने, जामा मस्जिद बनवाने, लाल किला बनवाने और ताजमहल बनवाने पर सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का विवादित बयान। वसीम रिजवी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए कहा है कि ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया था। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं बनवाया था। उन्होंने आगे कहा कि ये मुगलों की औलाद कहते हैं कि इनके बाप मुगलों ने 800 साल भारत पर राज किया, मुगल बादशाह नहीं थे बल्कि लुटेरे थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर रखा, उनके साथ जुल्म किया, ओवैसी के बाप दादाओं ने मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। ये है वसीम रिजवी जो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। तो किस तरह से इन्होंने ओवैसी भाइयों को गंदी गालियां भी दी हैं, अब देखते हैं असुद्दीन ओवैसी साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। पहली खबर की ओर बात करते हैं जो दिल्ली के शाहीन बाग से आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक महीने से ज़्यादा समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच इंडिया टीवी के पत्रकार दीपक चौरसिया आज वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शनकारियों ने उनको जमकर पीटा, जिसके बाद दीपक चौरसिया और उनके कैमरामैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों का कहना था कि इंडिया टीवी बीजेपी की दलाल है और अभी तक डेढ़ महीने से ज़्यादा समय से यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये यहां पर आज हमारे जले पर नमक छिड़कने आए हैं और इन्होंने हमारी आवाज़ को देश में नहीं दिखाया, क्योंकि ये बीजेपी के दलाल हैं और बीजेपी से बिके हुए हैं।
भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए रवीश कुमार भी पहुँचे और भी कई पत्रकार पहुँचे, लेकिन उन पर ऐसा जानलेवा हमला नहीं हुआ क्योंकि वो देश को सच्चाई दिखाते हैं। अगली खबर की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रजाई वाले बयान पर एक्टर एजाज खान भड़के। एक्टर एजाज खान ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ का थप्पड़ खाओगे तो वाकई सन्यासी बन जाओगे। यही नहीं, एजाज ने सीएम योगी को अपशब्द भी कहे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के लिए टिप्पणी की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं। महिलाएं कहती हैं कि पुरुष बोलते हैं कि अब हम हार चुके हैं और आप धरने पर जाकर बैठो। सीएम ने ये बयान नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में दिया था। मैं आपको बता दूं, एक्टर एजाज खान और योगी का कंट्रोवर्सी विवाद पहले से ही रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले गाय के नाम पर किस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती थी, इसी को लेकर एजाज खान ने कश्मीर के एक एयरपोर्ट से काऊ लेदर बेल्ट खरीदी जो गाय की चमड़ी से बनने वाली बेल्ट थी, उसको बैन कराने की भारत में मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने कोई भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। एजाज खान ने काफ़ी आवाज़ उठाई और भक्त जिस तरह से मुसलमान अगर कोई गाय ले जाता दिखता है तो किस तरह से भक्त उसे जबरन पीट पीट कर मार देते हैं, लेकिन काऊ लेदर बेल्ट जब एजाज खान ने बंद कराने की मांग की तो भक्तों के जू नहीं रिंगी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। शाहीन बाग की जिन महिलाओं पर लगे 500 रुपए में प्रदर्शन करने के आरोप, आज अखिलेश यादव ने उन्हें दिया ऐसा नाम जिसके बाद बीजेपी कांप उठी। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की आईटी सेल ने शाहीन बाग में महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं उन पर आरोप लगाया था कि वो 500 रुपए में बिकी हुई हैं और पैसे के कारण ही वो शाहीन बाग में CAA बिल का विरोध कर रही हैं, जिसके बाद आज अखिलेश यादव ने इस पर जुबान खोली और कहा कि आज हमारे देश की नारियां किस तरह से संविधान बचाने के लिए सामने आ रही हैं। उन्होंने इन नारियों की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर दी कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उसी कारण अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली बीजेपी से ये हमारे देश की नारियां लोहा ले रही हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं और दिल से आभार जताता हूं। जिसके बाद बीजेपी को काफ़ी मिर्ची लगी और बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी भी की। अगली खबर की ओर बात करते हैं। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबड़े से बड़ा झटका। जस्टिस SA बोबड़े ने कहा है कि सरकार की ओर से जनता पर ज्यादा या मनमाना टैक्स वसूलना समाज के प्रति अन्याय है। ये बात उन्होंने बजट पेश होने से करीब एक हफ्ता पहले कही है। आगे उन्होंने कहा है कि कर चोरी करना अपराध है, वहीं ये दूसरे लोगों के साथ अन्याय भी है। न्यायाधीश बोबड़े ने उचित टैक्स पर जोर देते हुए देश में पुराने समय में प्रचलित टैक्स कानूनों का भी उदाहरण दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं किस तरह से बीजेपी ने GST और अन्य तरह के टैक्स लगाकर लोगों पर बोझ बढ़ा दिया, इसी को लेकर जस्टिस SA बोबड़े ने ये बड़ा बयान दिया है और बीजेपी को सुधरने का एक मौका भी दिया है। तो देखिएगा हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो किस तरह से बीजेपी की खामियों को सामने ला रहे हैं देश के, और जो है देश की जनता का किस तरह से भला कर रहे हैं और जनता की आंखें खोल रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार देश के नागरिकों को लूट रही है, लेकिन भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगली खबर की ओर बात करते हैं। अमरीकी राजनायक ने कश्मीर में इंटरनेट शुरू होने पर जताई खुशी, कहा भारत यात्रा से समझा जाएगा CAA। दक्षिण और केंद्रीय एशिया मामलों के लिए अमेरिका की मुख्य राजनयिक एलिस बेल्स इन दिनों दिल्ली की यात्रा पर है। उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर कहा है कि इसे उन्हें भारत के नागरिकता संशोधन कानून को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर से इंटरनेट सेवा की बहाली पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यात्रा ज़्यादा सुनने और समझने का मौका देता है। भाई मैं आपको बता दूं, जब से भारत सरकार ने या बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया, वहां पर इंटरनेट मोबाइल SMS सेवाएं सभी बंद कर दी और वहां के लोगों को एक नरक में ढकेल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया था और तभी इंटरनेट वगैरह खुलवाया था, लेकिन अब वहां पर पूर्ण रूप से 4G इंटरनेट चालू हो गया है, जिसके बाद जो राजनायक 16 देशों के कश्मीरी दौरे पर अभी आए थे पिछले हफ्ते, उन्हीं को लेकर एलिस बेल्स जो अमरीका से
राजनयिक आई थी उन्होंने इस मामले को लेकर खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर जिस तरह से देश में प्रदर्शन हो रहा है उसको भी वो समझेंगी और अमरीका जाकर बताएंगी, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जब ये कानून लोकसभा में पारित किया गया था अमित शाह के द्वारा, तभी जो है इसको भारत के संविधान के खिलाफ अमेरिका ने बताया था और कहा था कि हम अमित शाह पर जो है प्रतिबंध लगा देंगे क्योंकि ये ऐसे कानून संविधान के खिलाफ हैं। किसी धर्म के आधार पर भारत नागरिकता नहीं देता है बल्कि इंसानियत के आधार पर भारत नागरिकता देता है। तो किस तरह से अमरीकी राजनयिक एलिस बेल्स इन दोनों दिल्ली की यात्रा पर हैं और वो नागरिकता संशोधन कानून CAA और शाहीन बाग में भी जा सकती हैं।